स्कॉर्पियो एंड डीजल फोर एक्सप्लोर में एवरेज कैसे निकालनी है। नॉर्मली आपको लोकल में देगी 9 के आसपास, है ना। थोड़ा और आपने रफ चला ली तो 9 से भी नीचे आ जाएगी। पहली चीज़ है कि जल्दी क्या है, आराम से गाड़ी चलाने का कितने फ़ायदे हैं। देखो, जब आप आराम से गाड़ी चलाओगे आपको एवरेज अच्छी मिल रही है, सेफ्टी है, ठीक है, और सेफ्टी है तो सब कुछ है ना। आपने ये वाला डिस्प्ले ऑन रखना है जिसमें आपको ये ब्लू बार दिख रहा है ना, ये ब्लू बार कम ज़्यादा हो रहा है, ये वाला डिस्प्ले रखना है इसमें। और इसमें आपने आप बीच देखते रहना है, सामने देखना है, बट यू कैन हैव अ ग्लांस इन वाइल ड्राइविंग कि ये कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो आपको जैसे ही लगे कि अपने पंजाब में जैसे बोलते हैं ना, किल्ली दब दो, थोड़ी सी किल्ली दबी है और ये ब्लू बार कम होने लगा है, तो आपको एवरेज कम मिलेगी। अगर आप इस ब्लू बार को 15 के आसपास रखोगे और आराम से चलाओगे, है ना, अभी जैसे आगे आपने राइट टर्न या लेफ्ट टर्न कुछ लेना है तो आप मोड़ से काफ़ी पहले ही रेस छोड़ दो, धीरे धीरे गाड़ी वहाँ तक पहुँचने दो और मोड़ के पास आके मोड़ लो, ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं है, फिर एकदम उठाने की ज़रूरत नहीं है गाड़ी को, है ना, गैस पे पैडल दबा के। तो आराम से चलाओ, आपको एवरेज अच्छी मिल जाएगी। और अगर आप जाम और इसमें नहीं फंसते ना लोकल ड्राइविंग में, तो आप आराम से 12 के ऊपर निकाल सकते हो एवरेज, ठीक है। अभी मैं 30 से 40 किलोमीटर लोकल में ट्रैवल करके आया हूँ जिसमें जाम भी लगे हुए थे, तो मेरी 12 से नीचे आ गई, नहीं तो 12.5 के आसपास। एंड यूज़ दिस ऑटो स्टार्ट स्टॉप, इसको यूज़ करो, अपना जहाँ भी सिग्नल है वहाँ पे आपका इंजन ऑफ हो जाएगा, फ्यूल कंजम्पशन बंद हो जाएगी, है ना। तो उन जगह पे ये सब चीज़ें दी हुई हैं, आप अच्छे से यूज़ करोगे ना, द बेटर यू यूज़ योर रिसोर्सेज द बेटर आउटपुट यू कैन गेट। तो दिस वाज द प्रो टिप फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।